Hello darlings, it's showtime. Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. Well friends, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पैन इंडिया स्टार प्रभास की फिल्म साहो के चौथे दिन के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में. इन तमिल, तेलुगु, हिंदी एंड मलयालम मैंने बहुत वेट किया. मैंने बोला 3 बजे तक आ जाएगा, नहीं आया. 3:30 तक आया, नहीं आया. आई वाज लाइक बाजू में रखो, जब वो उनको देना होगा वो दे देंगे. लेट मी पुट माई फिगर्स इन फ्रंट ऑफ यू. उसके बाद जो भी ऑफिशियल आएगा मैं बाद में अपडेट करूंगा. लेकिन चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं. साहो हैज परफॉर्म्ड रियली रियली अमेजिंगली ऑन द मंडे. हिंदी वर्जन ने सबके सब लोगों को सरप्राइज कर दिया. जहां पे लोगों को लग रहा था कि 11:30 इतना आएगा, वहां पे ऑलमोस्ट 14 के ऊपर कमा के दिस हैज सरप्राइज्ड एवरीवन. इवन द तेलुगु वर्जन जो के वॉज ड्रॉपिंग लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, स्टॉप ड्रॉपिंग एंड मंडे वॉज वेरी स्टेडी. तो कितना है 4 दिन का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड. चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं. और फ्रेंड्स बात करें हिंदी की, हिंदी डे 1 24.40 यानी कि 24.40, दूसरा दिन 25.20 यानी कि 25.20, थर्ड डे 29.48 यानी कि 29.48 एंड चौथा दिन 14.20 यानी कि 14.20 करोड़. इसी के साथ जो हिंदी वर्जन है, एज वेल एज द नेट टोटल ऑफ साहो इन द हिंदी वर्जन इज 93.28 करोड़ रुपीज, यानी कि 93.28 करोड़ इसने 4 दिनों में कमा लिए. बात करें तेलुगु की, पहला दिन 60.40 60.40, दूसरा दिन 27.10 27.10, तीसरा दिन 25.30 25.30 एंड फोर्थ डे सरप्राइज्ड एवरीबॉडी 20 करोड़ रुपीज. यानी कि ड्रॉप बहुत ही कम था, हिंदी से कम ड्रॉप तेलुगु में था. गाइज हिंदी में थोड़ा ज्यादा ड्रॉप दिख गया, तेलुगु में बहुत ही मिनिमल ड्रॉप था. तमिल वर्जन एंड मलयालम वर्जन अनफॉर्चुनेटली अब ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे. बट दिस हैज बीन अ ट्रेंड गाइज, पिछले कई सालों से तेलुगु फिल्में तमिलनाडु में नहीं चल रही. एंड द सेम गोज विद द तमिल फिल्म्स इन यू नो तेलुगु इंडस्ट्रीज. बाहुबली वॉज एन एक्सेप्शन, तो उसको साइड में रखते हैं. बात करें तमिल वर्जन की, तो डे वन जो इसका तमिल वर्जन था 3.20 यानी कि 3.20, दूसरा दिन 2.20 2.20, तीसरा दिन 1.60 यानी कि 1.60 एंड चौथा दिन 80 लाख रुपए. इसी के साथ जो तमिल का जो इसका रहता है नेट कलेक्शन वो होता है 7.80 करोड़ रुपीज. यस फ्रेंड्स, 7.80 करोड़ इस फिल्म ने तमिल में कमा लिए हैं. मैंने आपको तेलुगु का जो नेट है वो बताना भूल गया. वेल फ्रेंड्स, तेलुगु में इसे 4 दिनों में नेट कलेक्शन था 132.80 यानी कि 132.80. बात करें मलयालम वर्जन की, फर्स्ट डे 1 करोड़, सेकेंड डे 60 लाख 60 लाख, थर्ड डे 40 लाख एंड द फोर्थ डे 20 लाख रुपीज. द मलयालम वर्जन हैज क्रॉस 2.20 यानी कि 2.20 करोड़. तो फटाफट रैप अप कर लेते हैं. हिंदी 93.28, तमिल 7.80, तेलुगु 132.80, मलयालम 2.20. इसी के साथ साहो ने 4 दिनों में नेट बिजनेस इंडिया में 236.08 करोड़ रुपीज किया है. ओके, big actors can't do that in 4 days. Prabhas Saho has done that. Abhi se film agar khatam bhi ho jati hai, this collection is enough for the film. Seriously bol raha hu. 236.08 crores. Ab hum baat karenge guys iske worldwide collection ki. To worldwide se pehle main aapko India ka gross bata dun. India ka jo gross hai 4 dinon ka wo hai 279 crore rupees. ओके, द ग्रॉस ऑफ हिंदी 110.10 110.10, तेलुगु 156 करोड़ ग्रॉस, तमिल ग्रॉस 9.20 यानी कि 9.20, मलयालम का ग्रॉस 2.70 2.70 एंड इसी के साथ इसका जो टोटल इंडिया का ग्रॉस होता है वो है 279 करोड़ रुपीस. अब बात करें ओवरसीज की, तो जितने भी साइट्स है जितनी भी जगहों पर है वो 4 दिनों का ओवरसीज बता 3 दिन का ओवरसीज बता रही है. लेकिन 4 दिनों में इसने लगभग 64 करोड़ का बिजनेस किया है. 64 करोड़ का बिजनेस किया है. इसी के साथ इसका जो टोटल है वर्ल्ड वाइड का 4 दिनों का वो है 343 करोड़ रुपीज. यस फ्रेंड्स, 343 करोड़ रुपए इसने अपने 4 दिनों में कमा लिए है. 343 करोड़ रुपीज इन 4 डेज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन. फूक निकल गई मेरे एपिसोड बनाते बनाते, इतना भारी कलेक्शन है. वेल फ्रेंड्स, आज से टिकट के भाव भी कम होंगे, इसके हॉलीडेज भी नहीं है कुछ भी. कल तो ऑब्वियसली गणेश था, ऑब्वियसली नॉन हॉलीडे फिल्म थी. वीकेंड्स भी नहीं है, वीकडे भी नहीं है. जब बड़े से बड़े हीरो की फिल्में 20 करोड़ प्रतिदिन कमाते कमाते 7-8 करोड़ पे आ जाती है, द
देन प्रवास इज नो एक्सेप्शन. आज कलेक्शंस गिरेंगे इसमें कोई नई बात नहीं है, इसे चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि फिर से फ्राइडे आएगा और वीकडे शुरू होंगे, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे फिर से साहो जागेगी. बट फ्राइज अभी फिलहाल जो इसके दिन है ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, बस 3 दिन इसको सस्टेन करना है. आई थिंक इफ इट सस्टेन्स नॉर्मली एंड गोज समवेयर इवन नियर 400 करोड़ इन दिस 3 डेज, देन गाइस द सेकंड वीकेंड इज गोना बी मेहम. एंड जो ये लोग सोच रहे हैं कि ये फिल्म का सफर खत्म होने वाला है, बट फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में स्पेशली निजाम में ये फिल्म एक 100 डेज ग्रॉसर है, यानी कि 100 दिनों तक ये फिल्म वहां पर थिएटर से निकलेगी नहीं. ओके गाइज, आई होप एपिसोड आपको पसंद आया हो. एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आप जब भी यूवी क्रिएशन इसके ऑफिशियल फिगर्स डालेगा, लेट्स सी 343 करोड़ एग्जैक्ट आता है या कितना दूर आता है तो वक्त ही बताएगा. एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन फैंस, डाई हार्ड फैंस.